गुड मॉर्निंग। आज बहुत टाइम के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ। चलो बताते हैं कहाँ आए हैं। हम आ गए हैं यूके। आज हमारा फर्स्ट डे है, जा रहे हैं घूमने। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोगों के साथ मैं अपनी जर्नी शुरू कर रही हूँ। आगे की स्टोरी बाद में बताती हूँ, टाइम पास से क्यों नहीं शूट कर पाई। चलो अभी हम स्टेशन पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, जैसे कि बोला पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मालूम नहीं। जैसे जाएंगे थोड़ा थोड़ा क्लिप लेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आई होप कि आप लोग इन्जॉय करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ आ गए स्टेशन। हमारे लिए ये न्यू थिंग है, क्योंकि ये यूएस में हमारे यहाँ ट्रेन है नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पे एक नया चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे। और स्टेशन बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है। और ये देखो ट्रेन आ गया है, यही है हमारा ट्रेन, भाग लो। यस यस सर, हम हियर। ट्रेन आ गया है, अब चलते हैं हम, लेट्स गो। कम ऑन, मॉर्निंग का टाइम है, काफ़ी खाली है, बैठने के लिए सीट मिलेगा। चल रहे हैं, ये है लंदन का ट्रेन। चल रहा है, सीट कंफर्टेबल सीट है, कंफर्टेबल सीट है। वाटफोर्ड स्टेशन का नाम है। ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर। ये है पूरा मैप यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरे स्टेशन पे आ गए हैं, जहाँ पे हमें ट्रेन को चेंज करना है, दूसरे ट्रेन पे बैठना है। और बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस लग रहा है, बहुत ही अद्भुत लग रहा है, बहुत ही एकदम शांति। अर्ली मॉर्निंग है, तो अमेरिका में हम कार से घूमते हैं, यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे बस ट्रेन इन सब की सुविधा बहुत अच्छी है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे यही सब इस्तेमाल करते हैं, तो हमें और मज़ा आ रहा है इसे घूमने में। चलो चलते हैं। ये है स्टेशन का नाम। छोटे छोटे इसमें दुकान भी है, सब अंडरग्राउंड वायरिंग देखो कितना बढ़िया किया हुआ है, अमेजिंग। चलो चलते हैं, हम हैं, चलो हमारा ट्रेन। ट्रेन से उतर गए हैं, नीचे जा रहे हैं। वही है कैमरा ऑन करने में, कितना डीप है, कितना नीचे जा रहा है। वहाँ से आ गए, कितना बड़ा एक्सीलेटर है, क्योंकि हम अंडरग्राउंड आए, अंडरग्राउंड से भी हम जा रहे हैं बाहर, आई थिंक। इतने टाइम से निकले हुए थे, अंडरग्राउंड में ही थे, अब भी जस्ट बाहर निकले। डबल डेकर बस दिखना चालू हो गया है। हायट पार्क में आ गए हैं, हायट पार्क। टूरिस्ट बहुत है, टूरिस्ट बैठेंगे इस बस पे भी बैठेंगे। अभी इत्मीनान से बात नहीं कर पा रही हूँ, करूँगी जहाँ जगह मिल जाएगा ना, थोड़ा शांति इत्मीनान से बात करते हैं।
हर कंट्री की अपनी एक अलग ही ब्यूटी होती है यार, सच में बता रही हूँ। रोड क्रॉस करना है। ओह, लंदन का फेमस टैक्सी। ओके, ये है वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू का मेमोरियल। सब फोन रखा हुआ है, ऊपर तोप है, तोप चलो। छोटू बेबी भाग रहा है, बेबी मतलब छोटू सा डॉगी। मौसम इतना अच्छा है ना कि एक जैकेट पहना है हो गया है। और ये दिख रहा है जो ना, जो समझ में नहीं आ रहा है अभी पता चला, ये है वेल्टन आर्च, वर्ल्ड वॉर वन का मेमोरियल है ये सब पूरा, इतना बड़ा पार्क जो है। पहले यहीं से हमने शुभारंभ किया है। अच्छा हाँ, अभी यहाँ थोड़ी सी शांति है, बात कर लेती हूँ। जब टेम्पा से हम चले थे ना, तो इतने जल्दी जल्दी में चले थे और अलग जोन में थे, बात ये भी है, अलग जोन में थे, एक्साइटमेंट में थे, हमें व्लॉगिंग का दिमाग में आया ही नहीं। टेम्पा टू गैटविक, गैटविक एयरपोर्ट तक हम आए थे और वहीं से वापस जाएंगे। जाने के टाइम पर मैं ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी और यहाँ से टेम्पा तक का वही है। एयरपोर्ट का क्या करना है, सब एयरपोर्ट तो वैसे ही ले दे के होते हैं। तो अब यहाँ पे आके अब उस जोन से निकले हैं, घूमने के जोन में आए हैं, तो मैंने कहा अब शूट शुरू करते हैं। हम जितना लंदन देखते हैं इसमें से कुछ आप लोगों के साथ भी जितना हो सकता है शेयर करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए नहीं शूट कर पाई थी। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। कुछ ऐसे वॉशिंगटन डीसी जैसा लग रहा है, पता है। यहाँ पे लिखा है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। क्या हो रहा है भैया, शूट कर लें। घोड़े के पैर की आवाज़ जो होती है ना, कितना अमेजिंग लग रहा है सुन के। ध्यान देना, ऐसा लग रहा है टैप डांस हो रहा है ऐसे। सब लोग वार पे जा रहे हैं, युद्ध करने। ये हाथी जैसे घोड़े हैं यार, सब सेम ही साइज, सेम कलर। अच्छा एक वाइट है। साउंड सुन रहे हो ना, पैर का आवाज। कोई लेफ्ट राइट देख नहीं रहा है, जितने लोग एकदम स्टैचू बन के बैठे हैं, पता है। देखो उधर से आए हैं, उधर ही हम जा रहे हैं अभी। काफ़ी बड़ा पार्क है, बहुत ही बड़ा। हम आ गए हैं बकिंघम पैलेस। आज का जो गार्ड चेंज का शिफ्ट था वो ख़त्म हो गया है, आज हम नहीं देख पाए हैं क्योंकि हम घर से लेट निकले हुए थे। जो जो मैं आपको टैप डांस दिखा रही थी ना हॉर्स का, वो ही शिफ्ट चेंज करके ही जा रहे थे, तब हमें नहीं पता था। बाद में पता चला कि ये शिफ्ट ख़त्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे। बकिंघम पैलेस आ गए हैं, बकिंघम पैलेस देख लेते हैं। आज आएंगे नेक्स्ट टाइम तो वो गार्ड जो शिफ्ट होते चेंज होते हैं वो देखने आएंगे। सुना है बहुत अच्छा होता है, देखना ही है। ये है, ये है बकिंघम पैलेस, एकदम फ्रंट डोर है, ये गेट है। और ये गोप्रो इसी वक्त जवाब दिया है ना, जैसे क्या बताएं। रुको नज़दीक से जाके देखते हैं। अभी आ गए हैं हम फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहे हैं।
अरे गार्ड घूम रहे हैं। हाँ मेन गेट पे लोगी अच्छा व्यू तो सुनिए। चल रहे हैं अदर साइड। पिजन 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 एक कबूतर हर जगह ऐसे ही दिखता है। कहाँ है मेन मेन डोर कहाँ है? रुको हम ढूंढ ही लेते हैं। हम तो सोचे रही है पहले ऊपर से लेके थोड़ा सा से देख ही लेते हैं। ये रहा पूरा आजू बाजू का सीन बकिंगम पैलेस का। ये रहा बकिंगम पैलेस। प्रसिद्ध मॉल है। अब यहाँ पे शूट कर रहे हैं। हैरेट्स मॉल आई हूँ ना, यहाँ पे खाने का दिखा रही हूँ। अभी शूट करूँगी, अभी बड़ी मुश्किल हो रही है, बहुत रश है यहाँ पे। यहाँ पर इंडियन फूड में बहुत सारे ऑप्शन है। हम ले रहे हैं यहाँ से समोसा। खाने का है यहाँ पे, शॉपिंग भी करो और खाओ। पीछे पूरा खाना खाना है और भीड़ बहुत है, शूट करना इम्पॉसिबल है। कितने टाइप के चीज़ है। यहाँ पे कितने वैरायटी के तो पास्ता हैं इटालियन पे। हर वैरायटी का फूड मिलेगा यहाँ पे, हर वैरायटी का। एकदम सुंदर सुंदर डिजाइन के केक है यहाँ पे। अभी मैं यही शूट कर रही थी। यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, फिर रश बहुत है, शूट करना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिजाइन है यहाँ पे, सारे केक्स यही है कि शूट करने को एकदम प्रॉपर मिला है केक, क्योंकि यहाँ पे रश नहीं था, कम था इसलिए। नीचे है डाइनिंग हॉल, वो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि लाइन देख के टमी फुल हो गया है। अंदर जाने का कोई इच्छा नहीं है और हम वैसे जा भी नहीं रहे थे। हमने समोसा पैक करवाया, समोसा खाएंगे। कहाँ जगह मिलेगा, कहाँ खाएंगे, क्या पता, डोंट नो।
ये कॉफी ग्राइंड किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है पता नहीं, ग्राइंड ही किया जा रहा होगा, इतना बड़ा मशीन है। खाना फर्स्ट, चॉकलेट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, माय गॉड। ये तो कंचा लग रहा है, कंचा। दीवार चॉकलेट, ये देखो चॉकलेट, सब पूरा। अच्छा यहाँ पे खजूर वगैरह कितने, गुड़ है, जैगरी वगैरह, खजूर वगैरह है, ठीक निकला। और कितने टाइप के खजूर है, बादाम खजूर, खाली देखने वाले की जनसंख्या ज़्यादा है यहाँ पे, खरीदने वालों की न के बराबर, सब खाली देख के खाली इंजॉय कर रहे हैं। खराड़ा निकल आए बाहर, सीरियसली बता रही हूँ, अंदर घमासान है यार, ऐसे घमासान भीड़ में ना इंजॉय भी नहीं करते हैं, व्लॉगिंग तो छोड़ ही रहो। बाहर का स्ट्रीट का ये दिखा रही हूँ, ये है, अब आ गई हूँ ना बिल्डिंग के बाहर, अदर साइड जिस मॉल में घुसी थी ना, ये बाहर का व्यू है पूरा, इसी में बड़े बड़े स्टार लोग जो हैं, बड़े फेमस लोग, पैसे वाले, इसी में आते हैं शॉपिंग करने। तो मैंने सोचा एक बार बाहर से दिखा दूँ, क्योंकि बाहर तो शांति है, यहाँ पे भीड़ भी बहुत है, ये पूरा बिल्डिंग है, अच्छा लग रहा है बाहर से। अभी हम आ गए हैं पिकाडिली सर्कस नाम है इसका, जैसे न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर होता है वो, यहाँ पे ये है पिकाडिली सर्कस नाम है। नाम बड़ा सही है, दिखा रही हूँ और जगह कहाँ है, ये है टाइम्स स्क्वायर जैसा। ये सब यहाँ पे आके सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं, सब टूरिस्ट लोग, इतना रश है ना टूरिस्ट जगह पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। इसका नाम है पिकाडिली सर्कस। चलो, ये बस देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, देखो कब बैठती हूँ, अभी तक तो बैठी नहीं, आज पूरा ट्रेन और ऊपर से ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ना इतना बढ़िया प्रबंध है ना, इतना बढ़िया प्रबंध है कि कहीं कुछ ऐसा फील नहीं हो पा रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब गाड़ी हो आपके पास ना हो वो यहाँ के लिए मैटर नहीं करता है। रिक्शा, नेक्स्ट हम आ गए हैं चाइना टाउन में, दिखा रहे हैं। हाँ, ये है बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था चाइना टाउन, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था चारों तरफ।
इधर 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 से आ रहे हैं। अब यहाँ पे आ गए हैं, लेस्टर स्क्वायर नाम है इसका। नाइट में यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम नाइट में आए हैं। छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे। यहीं पे जो थिएटर दिख रहा है ना, ये पूरा मूवी थिएटर है। हॉलीवुड बॉलीवुड का प्रीमियर जो है ना, मूवी का प्रीमियर यहीं पे होता है। लास्ट आज के दिन में लास्ट है ये जगह, जिसका नाम है ट्रफालगार स्क्वायर। यहाँ से देखने के बाद फिर श्री राम घर चले जाएंगे। तो अभी दिखाते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ से हमने एंट्री मार ली है। यहाँ पर थोड़ा रश कम लग रहा है, विच इज़ गुड, क्योंकि अभी कोविड का फिर से पता चल रहा है कि शुरू हो रहा है, तो प्रिकॉशन लेना शुरू कर दिए हैं भीड़ में। हमारा ग्रुप कहाँ गया भाई, हमारा ग्रुप कहाँ गया। चल रहे हैं नीचे, फाउंटेन वगैरह नीचे है, इसकी ब्यूटी जो है वो नीचे है। डांस रेल में जा रहे हैं, ये रहा। रियल का फ्लेम है, वाह। आग में जो जल रहा है यहाँ से दिख रहा है कि जैसे कि रियल है। अंधेरे में पता नहीं कितना दिख रहा होगा। नो एंट्री, अच्छा हुआ लिख दिया नो एंट्री, नहीं तो ये अभी से हम स्विमिंग ही कर लेते। अच्छा हुआ बता दिया इतने ठंडी में। हाँ जी, स्टेज जैसा से बना हुआ है। आदमी है, आदमी के मुंह में से पानी निकल रहा है और वहाँ पे डॉल्फिन है। अगर मुझे समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दे रही हूँ ये क्या चीज़ है। ये रहा यहाँ के आसपास का एरिया पूरा। पूरा ये हो गया, शेर है। अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। Bye-bye.